आचार का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणा भी मुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओं में दिन की ही भांति उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर जल में तथा गली में भी कभी मलादि का त्याग न करें। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करें। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करें। नित्य नैमित्तिक काम्य क्रियांग मल कर्षण तथा क्रिया स्नान, ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब कर्म निष्फल होते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। इससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालें, फिर आचमन करके जल से मार्जन करें। हिरण्यवर्णः आदि 3 ऋचाएं शम नो देविर्भिष्टय, यह मंत्र, आपोहिक्ष्था आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापह, यह मंत्र, इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के भीतर ही जप करें। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा द्रुपादेव मंत्र या युजंते मनह आदि सूक्त अथवा सहस्त शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जाप करना उचित है। अघमर्षण सूक्त में भावव्रत देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भावव्रत भक्ति पूर्वक वरण किए हुए श्री हरि का स्मरण होता है। तदंतर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने के पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि दें। उसके बाद अग्निहोत्र करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योग क्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाए। आसन, शैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडलू, ये वस्तुएं अपनी ही हों, तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे जाने के लिए मार्ग दे देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखें। जल में भी उनके प्रतिबिंब की ओर दृष्टिपात न करें। नंगी स्त्री, कुआं, हत्या के स्थान और पापियों को न देखें। कपास, रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं का न लांघें। दूसरे के अंतःपुर और खजाना घर में प्रवेश न करें। दूसरे के दूत का काम न करें। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर न चढ़ें। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को न बजावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करें। मुंह का रंग न बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधा न डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदलें। कल्याण हो, यही बात मुंह से निकालें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। 2 पूज्य पुरुषों के बीच से होकर न निकलें। झूठे मुंह रहकर तारा आदि की ओर दृष्टि न डालें। 1 नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न लें। दोनों हाथों से शरीर न खुजलावें। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसे पार न करें। जल में मल आदि न फेंकें। नंगा होकर न नहाएं। योग क्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से न हटाएं। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करें। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास न करें। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में न रहें। जहाँ के स्वामी मल्लेच, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी न निवास करें। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करें। सदा भगवान विष्णु का स्मरण करें।
मुंह के ढके बिना न जोर से हंसे, न जम्हाई ले और न छींके ही। विद्वान पुरुष स्वामी के साथ अपने अपमान की बात को गुप्त रखे, इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले, उन्हें अपने वश में किए रहे, मल मूत्र के वेग को न रोके। परशुराम जी छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करें, सड़क लांग कर आने के बाद सदा आचमन करें, जल और अग्नि को धारण न करें, कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करें, पैर को पैर से न दबावें, प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा न करें। वेद शास्त्र राजा ऋषि और देवता की निंदा करना छोड़ दें। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखें तथा उनका कभी विश्वास भी न करें। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करें। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करें। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करें। षष्ठी अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उपटन न लगावें। घर से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करें। द्रव्य शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी अब द्रव्यों की शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो वह जल से धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर ही हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों की, सब प्रकार के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग रस्सी फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी प्रकार जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। घर की शुद्धि झाड़ने बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने सींचने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। शैया आदि सहस्त वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण सींचने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी तेल आदि की शुद्धि दो कुश पत्रों से उत्पवन करने उछालने मात्र से हो जाती है। शैया आसन सवारी सूप छकड़ा पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही जाननी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी के पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से होती है। गोंद गुड़ नमक कुसुम्भ के फूल ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दोहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिराते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने थूकने सोने पानी पीने नहाने सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु स्नाता स्त्री पांचवें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में 10 बार बाएं हाथ में फिर 7 बार दोनों हाथों में 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी तथा संन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगने शौच का विधान किया गया है। टसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो दें। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग को छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उपटन से मिश्रित जल द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल का छींटा देने मात्र से बताई गई है।
फूलों और फलों की भी उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। मरना शौच तथा पिंड दान एवं दाह संस्कार कालिक कर्तव्य का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं प्रेत शुद्धि तथा सूतिका शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपिंडों में अर्थात मूल पुरुष की सातवीं पीढ़ी तक की संतानों में मरना शौच 10 दिन तक रहता है, जनना शौच भी इतने ही दिन तक रहता है। परशुराम जी, ये ब्राह्मणों के लिए अशौच की बात बतलाई गई। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा सजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतने ही दिनों का लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का भी जनना शौच 10 दिन का ही होता है। परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्य तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने के पहले ही मर जाए तो उसके जनना शौच की सद्या शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की मृत्यु में 1 रात का अशौच होता है। यज्ञोपवीत के पहले तक 3 रात का तथा उसके बाद 10 रात का अशौच बताया गया है। 3 वर्ष से कम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है। 3 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन बाद शुद्धि होती है तथा 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसके मरण का अशौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उनके मरना शौच की शुद्धि 1 रात में होने वाली मानी गई है, और जिनका मुंडन हो चुका है उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधव 3 दिन बाद शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती हैं, उनके उस जनना शौच की शुद्धि 1 रात में होती है, किंतु स्वयं सूतिका 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच को बाद में, ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि अपने कुल में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने तो 10 रात में जितना समय शेष हो उतने ही समय तक उसे अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसे उक्त समाचार का ज्ञान हो तो वह 3 रात तक अशौच युक्त रहता है, तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपर्युक्त बातों की जानकारी हो तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक अशौच रहता है। परशुराम जी, यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए तो जितने मास का गर्भ गिरा हो उतनी रातें बीतने पर उस स्त्री की शुद्धि होती है। सपिंड ब्राह्मण कुल में मरना शौच होने पर उस कुल के सभी लोग सामान्य रूप से 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। प्रेत या पितरों के श्राद्ध में उन्हें आसन देने से लेकर अर्घ्य दान तक के कर्म करके उनके पूजन के पश्चात जब परिवेशन होता है तब सपात्रक कर्म में वहाँ ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्म में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्म रूप से उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उनके भोजन के बाद वह स्थान उच्चिष्ट समझा जाता है। उस उच्चिष्ट के निकट ही वेदी बनाकर उसका संस्कार करके उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशों पर ही पिंड निवेदन करें। उस समय एकाग्रचित हो प्रेत अथवा पितर के नाम गोत्र का उच्चारण करके ही उनके लिए पिंड अर्पित करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धन से उनका सत्कार या पूजन कर दिया जाए तब नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक उनके लिए अक्षत जल छोड़े जाएं। तदंतर 4 अंगुल चौड़ा उतना ही गहरा तथा 1 बित्ते का लंबा एक गड्ढा खोदा जाए। परशुराम, वहां 3 विकर्षु सूखे कंडों के रखने के स्थान बनाए जाएं और उनके समीप 3 जगह अग्नि प्रज्वलित की जाए। उनमें क्रमशः सोमाय स्वाहा, वहनीय स्वाहा तथा यमाय स्वाहा मंत्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यम के लिए संक्षेप से 4-4 या 3-3 आहुतियां दें। सभी वेदियों पर सम्यक विधि से आहुति देनी चाहिए। फिर वहां पहले की ही भांति पृथक पृथक पिंड दान करें। अन्न, दही, मधु तथा उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए।
यदि वर्ष के भीतर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए एक पिंड अधिक देना चाहिए, अथवा 12 मास के सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाह के दिन ही पूरे कर दिए जाएं। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास की संभावना हो तो द्वादशाह श्राद्ध के दिन ही उस अधिमास के निमित्त एक पिंड अधिक दे दिया जाए। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध को सामान्य श्राद्ध की ही भांति संपादित करें। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत को अलग पिंड देकर बाद में उसी की तीन पीढ़ियों के पितरों को तीन पिंड प्रदान करने चाहिए। इस तरह इन चारों पिंडों को बड़ी एकाग्रता के साथ अर्पित करना चाहिए। भृगुनंदन, पिंडों का पूजन और दान करके पृथ्वी ते पात्रम ये समानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक यथोचित कार्य संपादन करते हुए प्रेत पिंड के तीन टुकड़ों को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दें। इससे पहले इसी तरह प्रेत के अर्घ्य पात्र का पिता आदि के अर्घ्य पात्रों में मेलन करना चाहिए। पिंड मेलन और पात्र मेलन का ये कर्म पृथक पृथक करना उचित है। शूद्र का ये श्राद्ध कर्म मंत्र रहित करने का विधान है। स्त्रियों का सपिंडीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिए, किंतु प्रेत के लिए सानोदक कुंभ दान एक वर्ष तक करें। वर्षा काल में गंगा जी की सिकता धारा की संभव है गणना हो जाए, किंतु अतीत पितरों की गणना कदापि संभव नहीं है। काल निरंतर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिए कर्म अवश्य करें। प्रेत पुरुष देवत्व को प्राप्त हुआ हो या यातना स्थान नरक में पड़ा हो, वह किए गए श्राद्ध को वहाँ अवश्य पाता है। इसलिए मनुष्य प्रेत के लिए अथवा अपने लिए शोक न करते हुए ही उपकार श्राद्ध आदि कर्म करे। जो लोग पर्वत से कूदकर, आग में जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरने से या युद्ध में अस्त्रों के आघात से मरते हैं, उनके लिए भी यही बात है। यति सन्यासी, व्रती ब्रह्मचारी, राजा कारीगर और यज्ञ दीक्षित पुरुष तथा जो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अशौच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेत की शव यात्रा में गए हों तो भी स्नान मात्र कर ले, इतने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने पर और जलते हुए शव का धुआं लग जाने पर तत्काल स्नान का विधान है। मरे हुए ब्राह्मण के शव को शूद्र द्वारा किसी तरह भी न उठवाया जाए। इसी तरह शूद्र के शव को भी ब्राह्मण द्वारा कदापि न उठवाएं, क्योंकि वैसा करने पर दोनों को ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोकर अंत्येष्टि कर्म के लिए ले जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। अनाथ प्रेय का दाह करने के लिए काष्ठ या लकड़ी देने वाला मानव संग्राम में विजय पाता है। अपने प्रेत बंधु को चिता पर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिता की अपसव्य परिक्रमा करके समस्त भाई बंधु समस्त स्नान करें और प्रेत के निमित्त तीन तीन बार जलांजलि दें। घर के दरवाजे पर जाकर पत्थर पर पैर रखकर हाथ पैर धो लें, अग्नि में अक्षत छोड़ें तथा नीम की पत्ती चबाकर घर के भीतर प्रवेश करें। वहां उस दिन सबसे अलग पृथ्वी पर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस घर का शव जलाया गया हो उस घर के लोग उस दिन खरीदकर मंगाया हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन एक एक के हिसाब से पिंड दान करें। 10वें दिन एक पिंड देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है। 10वें दिन विद्वान पुरुष सरसों और तिल का अनुलेप लगाकर जलाशय में गोता लगाए और स्नान के पश्चात दूसरा नूतन वस्त्र धारण करे। जिस बालक के दांत न निकले हों, उसके मरने पर या गर्भ स्राव होने पर उसके लिए न तो दाह संस्कार करें और न जलांजलि दें। शव दाह के पश्चात 4थे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के पश्चात अंग स्पर्श का विधान है।